नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज नए टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं गलप से रिलेटेड, क्योंकि इतने काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा जॉब भी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज होता है, बाहर से इंटरव्यू दिया हुआ होता है या फिर इंडिया से, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि उनको अच्छी थोड़ा, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, तो उनके लायक कुछ जॉब आते रहते हैं। तो उससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे ओमान से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ओमान में अगर आप टाइम कीपर जॉब में जाते हैं तो कैसे, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से वीजा मिलता है, तो आइए अपन आज शुरुआत करते हैं। इससे पहले साथियों, रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज इसी तरीके के सही जानकारी, सही मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहे समय के हिसाब से। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं टाइम कीपर जॉब इन ओमान। जी हाँ साथियों, अब टाइम कीपर की बात कर लें तो बहुत सारे लोगों को तो नॉलेज भी नहीं होता सर टाइम कीपर जॉब होता क्या है। तो भाई, वर्क इसमें करना क्या होता है टाइम कीपर जॉब, टाइम कीपर का मतलब बता दूं कि एक ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। जिस कंपनी में मान लीजिए आपको कोई ये जॉब मिल रहा है, तो आपका काम ये रहेगा, आपके अंडर में 20 30 50 लोग होते हैं, टाइम मैनेजमेंट को ही टाइम कीपर बोलते हैं। जैसे स्टोर कीपर का काम होता है कि वो सामान में स्टोर से रिलेटेड पूरी जानकारी रखेगा, उसकी जिम्मेदारी होती है। टाइम कीपर से रिलेटेड होता है कौन सी साइड पे कौन कब से कब तक ड्यूटी होनी है, ठीक है, कौन सा आदमी कब तक जॉब करेगा, कितने टाइम ओवर टाइम करेगा, ये टाइम कीपर के जॉब में रिलेटेड ये जॉब आता है। तो काम में मैं आपको बता रहा हूं, काम में बस यही होता है कि आपको टाइम कीपर का जॉब ये होता है कि आपको पूरा बायोडाटा रखना पड़ता है टाइमिंग से रिलेटेड। इतने बंदे उस साइड पे जाएंगे, वहां से इतने टाइम पे आएंगे, ठीक है, इतने टाइम ओवर टाइम लगा इनका, इतने घंटे उनकी ड्यूटी हुई, टाइमिंग से रिलेटेड जो भी काम आता है कंपनी में। और आपको पता है भाई, टाइम द इंपॉर्टेंट, टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम के बिना कुछ भी नहीं है, हर इंसान टाइम के हिसाब से काम करता है। तो ये इस वजह से देखा जाए टाइम कीपर जॉब द इंपॉर्टेंट, कंपनी हर डिपार्टमेंट ये जॉब अवेलेबल होता है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें कि अगर आप ये जॉब लेना चाहते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो भाई देखिए, टाइम कीपर का मतलब बंदा क्या, टाइमिंग से रिलेटेड तो पढ़ा लिखा तो तय बात है, 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर बीए है तो बहुत अच्छी बात है। मेन चीज होती है इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आती है, आपकी स्पीकिंग अच्छी है, 50-60% 70% इंग्लिश अगर आपको आ रही है, तो ये जॉब आपके लिए हो सकता है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें द बेस्ट, क्योंकि टाइमिंग कंप्यूटर में भी फिट होता है कि भाई इस, आपको पता भाई इंडिया में भी आजकल तो टेक्निकल माइंड ट्रेंड चल रहा है, तो वहाँ तो बहुत पहले से ही है, तो ये मान लीजिए, तो कंप्यूटर नॉलेज प्लस इंग्लिश पढ़ा लिखा बंदा होना जरूरी है। मैं इसमें बात बता दूं कि ये जॉब मिलता कैसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इन इन चीज़ों के, इन वीडियो बना बना के, या फिर ये ऐसी मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो मेरे मोबाइल में आती रहती हैं, लोगों के द्वारा भेजते रहते हैं कि सर ये देखिए, इसमें स्टोर कीपर, टाइम कीपर, जो अच्छी जॉब होती हैं, जो बैठे बैठे आराम की जॉब होती है, हर बंदे को अट्रैक्टिव करती है कि भाई हाँ, इस जॉब अपने को मिल जाए तो अच्छा मज़ा बन जाए, ऐसी जॉबें सबसे ज़्यादा आती है। तो भाई ये जॉब देखिए, अगर आप इसमें इंटरव्यू देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है क्लाइंट के द्वारा, तो ये काम पॉसिबल है। बाकी अगर कोई आपको व्हाट्सअप पे मैसेज, फेसबुक, यूट्यूब पे आप देख के अप्लाई कर देते हो, ऑफर लेटर आ जाता है, तो कोई दम वाली बात नहीं है, 100% वो काम फेक मिलेगा आपको। सैलरी की बात करें तो इसमें साथियों, सैलरी आराम से 150 ओमान रियाल से 200 ओमानी रियाल तक आराम से आ जाती है, 150 से 200 सैलरी आराम से बन जाती है आपकी। ओवर टाइम वगैरह वो एक अलग प्रोसेस होता है, तो कहने का मतलब 30 से 35 हज़ार रुपये बंदा इसमें आराम से कमा सकता है इजीली। लेकिन ये काम तभी पॉसिबल होगा जब आप इंटरव्यू देके, सिलेक्शन करवा के, या फिर डायरेक्ट कंपनी के द्वारा आपका लिंक होता है, तो आपके लिए जॉब मिल सकता है। बाकी पढ़े लिखे लोग वहाँ जाके, ये प्रमोशन सिस्टम होता है, जैसे आप जाते कोई छोटे जॉब में हो, फिर आपको एजुकेशन के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से जॉब आपको मिल जाता है। सबसे ज़्यादा जॉब भी इसी तरह से मिलते हैं भाई, स्टोर कीपर मान लो या फिर टाइम कीपर मान लो, जाओगे दूसरी ट्रेड में, वहां पे आपका जैसे आपकी कैपेसिटी होगी, कंपनी प्रमोशन करके अलग जॉब आपको दे देती है, इस तरह से जॉब मिलती है। वीजा की बात करें, 2 साल का वीजा आपको मिलता है, कई कंट्री में चले जाओ गल्फ में, प्लस ड्यूटी 8-9 घंटे होती है, जुम्मा फ्राइडे इसमें छुट्टी रहती है, ओवर टाइम मिल जाता है, खाना वगैरह कई कंपनियां देती हैं, कईयों में आपका रहता है, तो कुल मिला के ये 2 साल से आपको छुट्टी मिल जाती है। तो टाइम कीपर में अगर आप कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से प्रोसेस है, तो जेन्युइन है, बाकी अगर है तो भाई फेक है। मेरे हिसाब से वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगेगी, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज इसी तरह के टॉपिक पे आपको सही जानकारी, मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।